कुंडली भाग्य। शर्लिन ऋषभ जी को धोखा दे रही है और इन दोनों ने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये झूठ बोल रही है। तुझे चौराहे पे ले जाके न कोड़े पड़ने चाहिए, जनता तेरे पे थू थू करे और तेरे पे पत्थर पड़ने चाहिए। तू इसी लायक है, दुनिया देखे कि कलयुग में शैतान पैदा हुआ है। तेरा मुंह काला करके खोते पे बैठा के पूरे शहर में घुमाए तेरे को। हाँ, ये सजा तुझे जान के दिलाएगी। सजा दिला के होशियार बनने की कोशिश की था। ऐसी क्या बात है सृष्टि जो सिर्फ तुझे समझ में आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा? बता तो सही। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जानकी आंटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उनका किडनैप हुआ है। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि कुमकुम भाग्य हॉल में क्या कुछ हुआ था और आग कैसे लगी थी और उन्हें चोट किसकी वजह से लगी। आई थिंक उसी इंसान को ढूंढने के लिए निकली होंगी वो। अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारा इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मेरे फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है कल। ऋषभ बेटा कहाँ जा रहे हो? आप अभी तक जागे हुए हैं? करीना वो आपने जानकी जी को देखा है? यहाँ पर हाई है क्या वो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? वो नौकरानी आधी रात को हमारे घर क्यों आएगी? फंक्शन खत्म हो गया है और वो अरोरा असना अपने घर चले गए, वो नौकरानी भी वही होगी। करीना वो रिलैक्स, शी इज मिसिंग। करण का फोन आया था, वो वहां पर नहीं है, इसलिए सब लोग पैनिक कर रहे थे, वो वहां पर है नहीं, दैट्स द रीजन। क्या जानकी लापता है? ऋषभ बेटा अगर जानकी लापता है तो हमें तो सरला जी के घर जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जानकी को ढूंढने के लिए। मैं करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषभ बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है कि आधी रात को तुम्हें उनके घर जाना पड़ रहा है? करीने वो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मेरा वहाँ पर जाना ज्यादा जरूरी है। मॉम मैं जा रहा हूँ। ऋषभ मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके स्लीप वेल। फोन कर लेना। ऋषभ बेटा बात तो सुनो, एक फोन कर देना कम से कम। हे भगवान, जानकी जी को सलामत रखना, उनकी रक्षा करना। क्या हो गया आपको भाभी? करण को सुबह अपनी प्रैक्टिस पे जाना है और वो आधी रात को उस नौकरानी को ढूंढ रहा है, वो रेस्ट कब करेगा? ऋषभ दिन भर का थका हुआ, वो भी क्या है उसी नौकरानी को ढूंढने, कल ऑफिस में काम कैसे करेगा वो? हो सकता है भाभी कि अरोरा अच्छे लोग हों, मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग उन्हें फैमिली की तरह समझते हो, लेकिन आपके बेटों ने तो उन्हें सच में अपनी फैमिली बना लिया। हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ। भैया एक सेकंड, बात करनी है, फोन नीचे रखिए थोड़े। काम कीजिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आपने वो एक आंटी थी यहाँ पर, आपने उनको देखा है? कहाँ है वो कहाँ किस तरफ गई, किसके बारे में बात कर रहे थे? आपने अभी कहा किसी औरत का एक्सीडेंट देखा आपने, ये आपके कपड़ों पे क्या लगा? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था क्या? हम उस औरत को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप कलम दूसरा जैसे दिखते हैं। लगता हूँ ये सब बातें बाद में कीजिएगा। देखिए आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था क्या? और वो औरत, उन्होंने क्या पर्पल कलर का सूट पहना था? एक मिनट, क्या आपने उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा? हमारी बात सुनिए, हमने एक्सीडेंट होते नहीं देखा, खून से लथपथ यहीं पड़ी हुई थी और एक कार थी जिसको हमने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो कार वाले रुके नहीं। साहब यार ये क्या बोले जा रहा है, पता नहीं और क्या क्या जानता है ये आदमी। लेकिन हमने मदद के लिए उस औरत को हमने वहीं पास वाला अस्पताल है वहाँ छोड़कर आ गए। ये पास ही में ही है। नाम क्या है उसका? पास में ही है, मैं गूगल करूंगा। क्रेस्ट केयर, हाँ बड़ा सा हॉस्पिटल है, ये कॉलेज के पास में ही है। नंबर है किसी? मुझे पता है, नहीं मेरे को मालूम है, मैं दादी को मैं वहीं पर लेके जाता हूँ, मैं दादी को वहीं पर लेके जाता हूँ, मैं मेरे पर नंबर भी होगा। हेलो, यस मैम। ऋषभ जानकी मिली क्या? सही सलामत है ना पुत्र, सब ठीक है ना? मॉम वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जानकी ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे?
मॉम जानकी आंटी नहीं रही। क्या हुआ राखी जी, क्या हुआ? आप बोल के नहीं कुछ? She's off now. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? बोलिए ना क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। जानकी का स्वर्गवास हो गया। हमें चलना चाहिए। आप संभालिए अपने आप को। अरे आप ऐसे चुपके क्यों बैठे हैं? बेबी क्योंकि करण और ऋषभ की गाड़ी किसी भी वक्त हमारी गाड़ी से क्रॉस करने वाली है इसलिए। पेशेंट को आराम करने दीजिए। और वैसे भी ये कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड। बस तुम्हें जाना ही है। क्यों? हमारी मेहंदी की पार्टी है। सुना तुमने? तुम्हारी और शर्लिन की मेहंदी की पार्टी है इसलिए कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही है। I'm so glad कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। इस प्रक्रिया का तो काम हो गया। अब बस हमें इस मुन्नी पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं प्रज्ञा का चल रहा है जो तुम्हारी हार पे खत्म। नरेन, मैं हर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ लेकिन बदले में तुम्हें और इस घर को मेरी बेटी को अपनाना होगा, वो भी पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। ये दरिंदे क्या कर रहे हैं इस बच्चे के साथ? ये तो नींव का कंचा है, मतलब ये नींव है। लेकिन अब तो पक्का है कि नलिनी यहाँ और कुछ करने आई है। इसके पहले ये पता करना होगा कि नलिनी ने उस बंदे को दिया तो क्या दिया। चुमकी यहाँ है। चुमकी के हाथ पे एक निशान था, उनमें से किसी औरत के हाथ में वो निशान है। देखिए मुझे आप तीनों के चेहरे देखने, हाथ देखना। घर में कांड करके फिर से चुपचाप घुसाई तू, अपना चेहरा